और हम पहुंच गए अभी देवघाट के पास। टाइम हो गया आपका। ये वाला सीन चेक करो गाइस, ऊपर चट्टान से पता नहीं कहां से पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये है मेरे पीछे भोजभाषा और हमारे साथ के दो लोग यहीं रुक गए। ये चेक करो क्या मस्त लग रहा है, स्टेबल हो रखा है एक जगह। भूमुख बोलने के लिए है कि भूमुख जाओ, पर जो हालत आके होती है वो तो वही जाने। और ये हेलो गाइस, मॉर्निंग, जय गंगा मैया, जय शंकर महाराज। सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी हम निकल गए हैं गंगोत्री से घूम के लिए। और ये हमारे साथ वाले पीछे आ रहे हैं, लोग तो आ गए हैं, ये पता नहीं कहाँ है अभी। तो मिलते हैं आपको घूम के ट्रक पे, यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर, 18 किलोमीटर वापसी में। तो मिलते हैं आपको आगे। यह है सुबह 7 बजे का व्यू गंगोत्री का। ये ऊपर चोटी पे धूप आ गई है। ये हमारे साथ के लोग आगे करो गाइस, हिमालय का भव्य दृश्य सनराइज होता हुआ। इतना बेहतरीन दृश्य है। हम पहुंच गए हैं चौकी पे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश द्वार में आपका हार्दिक स्वागत है। गंगोत्री गौमुख मार्ग पर पॉलिथीन ले जाना वर्जित है। और हम यहाँ पे पहुंचे और सनराइज हुआ। कितना बेहतरीन व्यू है गाइस, ये चेक करो कितना अल्टीमेट लग रहा है। जय सूर्य भगवान, जय सूर्य देव। हम पहुंच गए अभी चौकी पे, जहाँ से गौमुख के लिए पास दिखाया जाता है। यहाँ पे एंट्री होती है अगर आपने पास बनाया हुआ है। और हम यहाँ पे पहुँचे और अभी सूर्य उदय हुआ, आप देख सकते हैं ये सनराइज़ का व्यू कितना मस्त लग रहा है गाइस, काफ़ी बेहतरीन व्यू यहाँ पे। पूरी यात्रा का आनंद लेते हुए और ये है रास्ता गौमुख के लिए आगे। हम लोग चेक पोस्ट से आगे निकल चुके हैं और अभी धूप निकली यहाँ पे बढ़िया सही और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारे साथ वाले सभी लोग और हमारी एंट्री हुई और अब हम चल दिए हैं गौमुख की ओर। तो दिखाएंगे आपको गौमुख का बेहतरीन दृश्य। और ये है कुछ अभी का व्यू, आप चेक कर सकते हैं कितना मस्त लग रहा है गाइस। गौमुख का ट्रैक पूरा सिंपल है, आप देख सकते हैं ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। ये वाली दोस्तों देवघाट, और हम पहुंच गए अभी देवघाट के पास। टाइम हो गया आपका 8:15। ये है कुछ यहाँ से व्यू। ये वाला सीन चेक करो गाइस, ऊपर चट्टान से पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरी खड़ी चट्टान है पूरी, ये पानी आ रहा है। इतना मस्त लग रहा है गाइस, अभी धूप भी लगी हुई है और सामने बर्फीली चोटियाँ, क्या मस्त व्यू है गाइस। और सामने वाले पहाड़ों पे लगी हुई बढ़िया सी बर्फ, आप देख सकते हैं।
हम पहुंच गए दोस्तों चीड़वासा में। ये कुछ यहाँ पे अभी गाइस मैंने पानी भरा यहाँ पे से, यहाँ पे पानी आता है और बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ग्लेशियर का पानी है, बिल्कुल चिल्ड पानी है। गाइज हम पहुंच गए अभी भोजवासरा में। ये है मेरे पीछे भोजवासा और हमारे साथ के दो लोग यहीं रुक गए हैं, वो लोग चल नहीं पा रहे तो मैं और जीजू जा रहे हैं अभी गोमुख की तरफ। और यहाँ से गोमुख है 4 किलोमीटर, ये देख सकते हैं आप, जीजू जा रहे हैं आगे, ये है आगे गोमुख, यहाँ से 4। तो अभी चलते हैं गोमुख, दिखाते हैं आपको कैसा है वहाँ पे। गाइस बहुत अच्छी धूप लगी हुई है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो मैंने जैकेट डाल दिया है, अभी जैकेट पहन लिया है। तो अभी मिलते हैं आपको सीधा गोमुख में। आ रखा है, एक रास्ता बंद है आगे से, यहाँ से अलाउ नहीं है आगे जाना, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पूरा रास्ता बंद है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइज यहाँ पे गोमुख में आगे से आगे अलाउड नहीं है क्योंकि एक नाला आ रखा है, फ्लड आ रखा है। ये आपका गोमुख यहाँ पे दिख रहा होगा गाइज, यहाँ पे फ्लड आ रखा है, पूरा रास्ता बंद है यहाँ से, हम आगे नहीं जा सकते। और ये कुछ अभी का यहाँ से भी ये चेक करो गाइस, ये शिवलिंग शिखर, यहाँ से चलते हैं हम गंगोत्री की तरफ वापसी। और आज हमें गंगोत्री पहुँचना है, दो लोग हमारे भोजवासा में रुके हुए हैं और हम निकलते हैं और ज़्यादा क्लोज से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि आगे रास्ता पूरा बंद है, आप देख सकते हैं। ये कुछ अभी चारों तरफ का यहाँ का व्यू, यहाँ पे घास है, 2-3 फूल हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे से, मैं दिखाता हूँ आपको, चेक करो गाइस।
फाइनली गाइस हम लोग निकल गए हैं गौमुख से गंगोत्री की ओर। थोड़ा सा भोजबासरा में रुकेंगे, वहाँ पे हमारे साथ के दो लोग हैं, वो लोग आगे नहीं आ पाए वहाँ से, तो वहाँ पे चाय वाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे गंगोत्री की ओर। बहुत मस्त है गाइस यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतना मस्त मस्त व्यूज़ है पीछे। यह हैं जीजू, जीजूर में यहाँ तक आए थे, मेरे साथ के दो लोग वहीं रुके हुए हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए अभी भोजबासरा के पास, और यह है अरुण सर, ये लोग भोजबासरा में रुके हुए थे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। तो क्या कहना चाहोगे अरुण सर, कैसे रही आपकी ट्रिप गोम की? और बहुत आनंद आया ठीक है पत्थरों में चलने का, और थकान तो खैर बहुत लगी लेकिन मतलब ओवरऑल गुड, बहुत अच्छा नाइस। और डेंजर भी काफ़ी है जो पार्ट है, लेकिन खतरों में जाएंगे तभी अच्छा लगता है, खतरों के खिलाड़ी बने हुए। फाइनली गाइस टाइम हो गया आपका ढाई, और अभी हम निकल गए हैं भोजबासरा से, तो आज हम जाएंगे गंगोत्री नाइट के लिए, और यहाँ का व्यू आप चेक कर सकते हैं। और अभी निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा गंगोत्री में। जय गंगा मैया। इतने प्यारे प्यारे फूल हैं, ये हमारे साथ के सभी लोग आगे चलते हुए। गोमुख का जो सबसे डिफिकल्ट रास्ता है वो यही वाला है। यहाँ पे क्या है कि ऊपर से बड़ी खड़ी चट्टान है और यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है। ये चिड़िया देखो गाइस, ये चेक करो क्या मस्त लग रहा है, स्टेबल हो रखा है एक ही जगह है। गोमुख जाने का जो सबसे टफ ट्रैक है गाइस ये वाला है। यहाँ पे रास्ता तो ठीक है लेकिन ऊपर से काफी खतरा है गाइस लैंडस्लाइड होने का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है, बाकी रास्ता बढ़िया है। ये है यहाँ से कुछ व्यू, भाई अभी हम वापसी कर रहे थे घूम से और यहाँ पे मिला रजत भाई, हम लोग 2015 में साथ में थे, 2015-16 में साथ में, दोनों 15-16 सीसीडी भाई, इतनी खुशी हो रही है ना तब से हम आज मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। रजत भाई कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही स्वर्ग में, बिल्कुल ना, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया खैर, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत इंजॉय किया। कितने दिन रहने का है जा रहे हैं भाई? यहाँ पर 10 से 12 दिन का हमारा है ट्रैक है यहाँ पर, फिर उसके बाद मतलब ये 3 या 4 तारीख को हमारी वापसी है सारी। हाँ चलो बहुत अच्छा लगा यार मुझे। सीन चेक करो गाइस, शाम के बज रहे हैं आपके 5 एग्जैक्ट और सनसेट हो गया है, लास्ट किरण है सूरज की, और ये हमारे साथ के लोग सभी आगे, अजय सर, अरुण सर और जीजू चले गए हैं आगे। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे, और हमारे साथ वाले तो इतने थके हुए हैं, ये देखो आप, ये देखो हमारे भाई जी सुबह 7 बजे गए थे, इंतजार कर करके थक गए भाई, अब बोलने के लिए है कि घूमक जाओ, पर जो हालत आके होती है वो तो वही जाने, और ये हमारा इंतजार कर रहे थे।
टाइम हो गया आपका 7:45 और हम लोग पहुँचे यहाँ पे 7:30 बजे और गाइज अंधेरा हो गया था हमें ऊपर आधे रास्ते में चेक पॉइंट पे। तो फाइनली गाइज आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गाइज सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गंगा मैया।